हमारा जो रिमेनिंग टॉपिक है उसको कंटिन्यू करते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है वो हमारा कंटिन्यू है टॉपिक। तो अब नेक्स्ट हमारे पास इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ जिंक। The target metal is cleaned in alkaline detergent solutions and it is treated with acid in order to remove any rust or surface scales. Then the zinc is deposited on the metal by immersing it in a chemical bath containing electrolyte zinc sulfate. A current is applied which results in depositing of zinc on the target metal, that is cathode. इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ जिंक में इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए जो टारगेट मेटल है उसको डिटर्जेंट के सोल्यूशन में क्लीन अप किया जाता है, साफ किया जाता है और उसकी सरफेस से जंग या स्टेन वगैरह दूर करने के लिए एसिड यूज किया जाता है। अब जिंक को मेटल पर जमाने के लिए उसे जिंक में शामिल किए गए केमिकल बाथ में डिप किया जाता है। अब डायरेक्ट करंट देने से जिंक मेटल जो है वो टारगेट मेटल यानी कैथोड पर डिपॉजिट हो जाते हैं, कैथोड पर जमा हो जाते हैं। इसके नेक्स्ट हमारे पास इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ टिन। सो टिन इज यूजली इलेक्ट्रोप्लेटेड ऑन स्टील बाय प्लेसिंग द स्टील इन टू अ कंटेनर कंटेनिंग अ सोल्यूशन ऑफ टिन साल्ट। द स्टील इज कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिकल सर्किट एक्टिंग एज कैथोड व्हाइल द अदर इलेक्ट्रोड मेड ऑफ टिन मेटल एक्ट्स एज एनोड। When an electrical current passes through the circuit, tin metal ions present in the solution deposit on steel. Since tin की electroplating में जो है वो normally steel को tin plating के लिए उस tank में रखा जाता है जिसमें टिन का जो है वो इलेक्ट्रोलाइट मौजूद होता है। स्टील को एक इलेक्ट्रिकल सर्किट के साथ जोड़ा जाता है जो कैथोड के तौर पर काम करता है, जबकि टिन का बना हुआ इलेक्ट्रोड एनोड के तौर पर काम करता है। जब सर्किट से करंट जो है गुजरता है तो सॉल्यूशन में मौजूद टिन के जो आयंस हैं वो रिड्यूस होकर स्टील पर डिपॉजिट हो जाते हैं, स्टील पर जमा हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। कॉपर की इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इम्प्योर कॉपर इज रिफाइंड बाय द इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इम्प्योर कॉपर एक्ट्स एज एनोड and a pure copper plate acts as cathode as shown. So copper sulfate solution in water is used as an electrolyte. Since electrolytic cell में impure copper की refining, impure copper की मतलब कि ना खालिस copper की refining जो है वो इलेक्ट्रोलाइटिक वे से की जाती है, इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड से की जाती है। अब इम्प्योर कॉपर पर एनोड के तौर पर और खालिस कॉपर एज ए कैथोड काम करता है, ठीक है। यानी कि ना खालिस कॉपर जो है, इम्प्योर कॉपर जो वो एनोड के तौर पर और जो प्योर कॉपर है यानी खालिस कॉपर है वो कैथोड के तौर पर काम करता है। अब कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जो है वो इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। कौन सा सॉल्यूशन? कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस एट द एनोड। So copper atoms
फ्रॉम द इम्प्योर कॉपर लूज इलेक्ट्रॉन्स टू द एनोड एंड डिजर्व इन अ सॉल्यूशन एज कॉपर आयंस। इसका मतलब है कि एनोड पर जो है वो कौन सा प्रोसेस होता है, एनोड पर ऑक्सीडेशन होती है या रिडक्शन होती है, और एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होती है, ठीक है, एनोड पर ऑक्सीडेशन का अमल होता है। अब इम्प्योर कॉपर के एटम एनोड को इलेक्ट्रॉन्स देते हैं और कॉपर आयंस के तौर पर सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये रिएक्शन में भी आप लोग देख सकते हैं कि एनोड पर ये वो रिएक्शन है जो के एनोड पर हो रहा है। हमारे पास कॉपर है रिएक्टेंट में, तो प्रोडक्ट में हमारे पास क्या बन रहा है, कॉपर और कॉपर आयंस, और उसके साथ हमारे पास जो दो इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि वो दो इलेक्ट्रॉन जो लूज कर रहा है प्रोडक्ट में। मैंने आपको पिछले सारे टॉपिक्स में ऑलमोस्ट ये बात बताई है कि प्रोडक्ट में अगर इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो रहे हैं, ठीक है, अगर प्रोडक्ट में इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं यहाँ पर, तो इसका मतलब है रिलीजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हमने कॉन्सेप्ट लिया था वो क्या है, ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन, वो है ऑक्सीडेशन। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, रिलीज हो रहे हैं, तो इसका मतलब है यहाँ पर एनोड है, एनोड पर रिएक्शन हो रहा है, तो एनोड पर कौन सा रिएक्शन हो रहा है, एनोड पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक। रिडक्शन रिएक्शन टेक्स प्लेस एट द कैथोड, द कॉपर आयंस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन आर अट्रैक्टेड टू द कैथोड where the gain electrons from the cathode and become neutral and deposits on the cathode. Since anode पर जो है वो oxidation होती है, cathode पर क्या है, cathode पर reduction का process होता है। Solution में मौजूद copper ions cathode की तरफ attract होते हैं, जहाँ वो cathode से electron हासिल करके क्या हो जाते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं और वहीं पर डिपॉजिट हो जाते हैं, यानी कि वहीं पर जमा हो जाते हैं। इस प्रोसेस के दौरान जो इम्प्योर कॉपर है वो ख़त्म हो जाता है, जबकि प्योर कॉपर कैथोड पर डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है। ये रिपीट कर देता हूँ, कैथोड पर जो है वो रिडक्शन का प्रोसेस होता है, सॉल्यूशन में मौजूद कॉपर आयंस जो हैं वो कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, सॉल्यूशन में मौजूद कॉपर आयंस कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, जहां वो कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स हासिल करके न्यूट्रल हो जाते हैं और वो उसी जगह पर डिपॉजिट हो जाते हैं, वहीं पर जमा हो जाते हैं। इसी प्रोसेस के दौरान जो ना खालिस यानी कि इम्प्योर कॉपर होता है जो, वो क्या होता है, वो ख़त्म हो जाता है, जबकि जो प्योर कॉपर है, खालिस कॉपर जो है, वो कैथोड पर जमा हो जाता है, डिपॉजिट एट कैथोड, यानी कि कैथोड पर जमा हो जाता है। अब यहाँ पर देखें हमारे पास कॉपर आयंस है, यहाँ पर 2e का मतलब है यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन रिलीज किए गए, यहाँ पर वो एक्सेप्ट किए गए, यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन गेन किए गए हैं। तो जब वो, जैसा कि यहाँ पर हमने बात की है कि जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो वो अपनी न्यूट्रल फॉर्म में आ जाते हैं, स्टेबल फॉर्म में आ जाते हैं। यहाँ पर हमारे पास प्योर कॉपर आ गया, ठीक है। अब इन दिस प्रोसेस इम्प्योर कॉपर इज ईटन अवे एंड प्यूरिफाइड कॉपर एटम्स डिपॉजिट्स ऑन कैथोड। अब इस प्रोसेस के दौरान जो इम्प्योर कॉपर ख़त्म हो जाता है, जबकि प्योर कॉपर कैथोड पर जमा हो जाता है। जैसा कि ये फिगर में आप देख सकते हैं, ये बैटरी है, यहाँ से करंट प्रोवाइड किया जा रहा है, ये इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है हमारे पास किस चीज़ का, कॉपर सल्फेट का, ठीक है। हमारे पास दो इलेक्ट्रोड्स हैं, कौन कौन से, एक हमारे पास इम्प्योर कॉपर रॉड है जो कि एनोड पर है, एनोड पर कौन सा पॉजिटिव चार्ज है, एक हमारे पास दूसरा जो इलेक्ट्रोड है वो प्योर कॉपर का है और कैथोड है, और कैथोड पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। सो यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं और जाकर कहाँ पर डिपॉजिट हो रहे हैं हमारे पास, तो डिपॉजिट हो रहे हैं हमारे पास कैथोड पर, कैथोड पर हमारे पास कहाँ क्या बन रहा है, यहाँ पर प्योर कॉपर बन रहा है, तो प्योर कॉपर बन रहा है, इम्प्योर कॉपर यहाँ से ख़त्म हो गया हमारे पास। सो ये था स्टूडेंट्स आपका।